Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. So guys, ये मेरा Friday का video है जो मैंने upload किया है. Server की कुछ problem हो गई थी. तो guys, हमारा आज का day कैसा रहा? तो देखिए मैंने आज की preparation में क्या करा है. और यहाँ मैंने कुछ special भी करा है. सुबह के 5:21 हो गए थे. बच्चों का लंच मैंने प्रिपेयर कर दिया था गाइस. बच्चे चले गए थे स्कूल और वो मैं कुछ वीडियो की लाइट जाने की वजह से वीडियो बना नहीं पाई. और अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ गाइस. और उससे पहले हमने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करा. उससे पहले मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ. स्कूल जा रहे हैं ये लोग. फ्राइडे की सुबह हम आपसे मिल रहे हैं. फिर नहाने के बाद मैं आ गई पूजा करने और ये मेरी चाय गाइस. और फिर मेरी घर में धोनी की प्रिपरेशन. और गाइस फिर मैंने करा था लंच की प्रिपरेशन. तो मैं लंच में मैंने बनाए थे छोले चावल. तो यहाँ मैं कुछ प्याज कट कर रही हूँ. प्याज और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ. इसको मैं स्टोर करूँगी. ये मेरा स्पेशल टेक्निक है. इसमें मैंने खड़े मसाले मिला दिए थे गाइस. और ये पिसा हुआ मसाला. तो गाइस ये मैंने स्टोर करके रख दिया, रखने के लिए बनाया. और इधर मैंने रख दी थी कढ़ाई. और यहाँ भी मैंने एक मसाला स्टोर बनाना है. यहाँ मैंने अपने सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं गाइस. जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च. और अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्याज कट करा हुआ प्याज हम कट करेंगे. और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे. और यहाँ मैंने कुछ लहसुन भी ऐड कर दिए गाइस. एंड ये मेरे वाइट छोले हैं जो मुझे बनाने हैं, जिसके लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ. और यहाँ मैं आपसे कर रही हूँ नमस्ते. और ये वो मसाला है जो मैं भून रही हूँ स्टोर करने के लिए गाइस. पूजा करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट कपड़ों में आ गई थी. चेंज कर लिया था मैंने. सो गाइस यहाँ मेरा खड़े मसाले रेडी हैं. खड़े मसाले हैं जो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं. और ये मसाला है जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया है. तो ये मैंने एक नई टेक्निक निकाली है कि मैं इस मसाले को रेडी कर रही हूँ और इस नए तरीके से, नए अंदाज़ में. तो ये मेरा मसाला भून चुका था. और ये मसाला जो मैं भून रही हूँ गाइस, ये है छोलों के लिए, जो वाइट छोले मैंने रखे हैं बॉयल होने के लिए. तो गाइस इसमें डाल दिए हैं मैंने टमाटर. और गाइस उधर तो मैंने मसाला भुना है अपना स्टोर करने के लिए. और यहाँ पे मैंने छोलों की प्रिपरेशन करी है. तो ये मसाला जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने स्टोर करने के लिए रखा है भून के, ताकि ये मेरा चल जाएगा एक हफ़्ता नहीं, 3-4 दिन तो चली जाएगा. सो गाइस यहाँ मेरा जो ये छोलों के लिए मसाला है वो इस तरीके से है कि मैंने भून भान लिया था. और अब मैं इसको पीस रही हूँ मिक्सी में. और इधर डाला मैंने कढ़ाई में जीरा. और जो मसाला मैंने फ्राई करा था, फ्राई करके पीसा है, वो मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाइस. इस तरीके से मैंने छोलों की प्रिपरेशन की थी गाइस. आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो. तो यहाँ मेरे मसाले के ऊपर ऑयल आ चुका था गाइज़.
और फिर मैं इसमें डालूंगी अपने मसाले जो मेरी मसालदानी में होते हैं। मैंने इसमें डाली लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी डालेंगे थोड़ी, हल्दी नहीं डालेंगे इसमें हम, अमचूर डाला है मैंने इसमें, और ये डाला है मैंने थोड़ा सॉल्ट, ऑलरेडी मैंने सॉल्ट डाल रखा है इसलिए मैंने थोड़ा और डाला है। नमक फिर हम और ऐड करेंगे, एंड अच्छे से इसको हम भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हम मिलाएंगे गरम मसाला और इसमें थोड़ा पानी डाल के गाइस हम इसको भून लेंगे। तो गाइस इस अच्छे से मसाले को मैं भून लूँगी अपने, और यहाँ मैंने कट करी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अब मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है मसाला गरम खड़ा, मुझे कम लग रहा था, और पानी डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये ऑयल इस पे आ चुका है गाइस, और यहाँ मैंने छोलों के अंदर मसाला ऐड कर दिया गाइस, और यहाँ लगा लिया है कुकर में ढक्कन। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और यहाँ मैंने छोलों के लिए फिर गैस पे कुकर रखा और रिफाइंड डाला, एंड इस पे डाल देंगे हम थोड़े से अपने तेज़पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जीरा, और अब इसको अच्छे से ऐसे हिला देंगे हम देसी स्टाइल। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा पानी, इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूंगी, 2-3 ग्लास आठ पानी ऐड करूंगी क्योंकि मेरे चावल थोड़े ज़्यादा हैं। ये बासमती राइस है तो इसमें कम ही पानी यूज़ होगा और थोड़ा खिला खिला बनेगा। सो इसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया है पानी के अंदर, और फिर मैं इसमें अपने चावल ऐड कर दूंगी गाइस। तो ऐसे जल्दी जल्दी मैंने सारा काम अपना निपटा लिया है, निपटा लूंगी गाइस मैं। और यहाँ ये मेरे छोले रेडी हो चुके हैं गाइस, और यहाँ मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं। तो ये हुआ हमारा दिन का लंच गाइस। तो बच्चों के संग मिलके हमने करा छोले चावल से लंच, सिंपल लंच। तो यहाँ हम सब बैठे हैं लंच के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।